जबलपुर में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीन टीकाकरण को तेज गति से किया जा रहा है। टीकाकरण अधिकारी एस के दहिया ने बताया कि जबलपुर में अभी तक 5,60,000 लोगों को टीकाकरण की पहली डोज लगाई जा चुकी है, वहीं 1,25,00,000 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। जबलपुर के टीकाकरण अधिकारी एस के दहिया ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा टीकाकरण के लिए स्लॉट बुक करने की अनिवार्यता को खत्म किया गया है। अब 18 साल से अधिक उम्र के नागरिकों को केवल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जिला टीकाकरण अधिकारी ने बताया कि अभी तक राज्य सरकार द्वारा इसको लेकर दिशा निर्देश अभी नहीं दिए गए हैं। वहीं वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर जिला टीकाकरण अधिकारी ने बताया कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और रोजाना नागरिकों को वैक्सीन बड़ी संख्या में लगाई जा रही है। के माध्यम से भी जाना है कि ऐसा पेपर में भी आया है। एक्चुअली ये पोर्टल हमारा UNDP का है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के उधर से हो रहा है, तो उनकी तरफ से बोला गया कि ऑन स्पॉट भी हो जाएगा और पूरा उनने स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया। अभी तक मेरे को राज्य शासन से कोई ऐसे दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए कि ऑन स्पॉट होना है, तो अभी मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि कल से जो मतलब परसों से, कल भी ऑफ है हमारा वैक्सीनेशन, अगर परसों होता तो ऑन स्पॉट होगा कि नहीं। वैसे प्रक्रिया बहुत अच्छी है, ऑनलाइन होने में हम बहुत अच्छा मैनेज कर पाते हैं, क्राउड मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो जाता, नहीं तो बहुत भीड़ लगती थी। तो नहीं है, वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में है जो हमारे को मतलब केंद्र सरकार स्टेट को देती है, स्टेट जिले को डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसी प्रकार हमारे जो जिले को मिली है पर्याप्त मात्रा में मिली हुई है। लगातार हम सेशन कर भी रहे हैं, आपने देखा था कि हमने 100 से स्टार्ट किया था यंग लोगों के लिए, 200 आए, 2,200 आए, फिर 6,000 आए और कल की डेट 2 दिन से हम लगातार 13,000 कर रहे हैं, तो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। लेकिन दिशा निर्देश जैसे हमको राज्य शासन से मिलते हैं, टोटल देखा जाए तो हमने 5,60,000 लोगों को कर चुके हैं, जिसमें हम 1,25,00,000 तो सेकेंड डोज भी दे चुके हैं उसी में से, और यंग लोगों का भी 60,000 से 70,000 इन बहुत कम दिनों में हमने बहुत जल्दी किया है। 5 तारीख से हमारा स्टार्ट हुआ था और हमने अभी आज ही 24 तारीख है, हमने लगभग 65,000 के लगभग कर चुके हैं। सर बारे में बताना चाहूँगा, जैसे कोवैक्सीन तो वैसे ही है, 4 से 6 वीक में ही लगाना है, और दूसरा कोविशील्ड के लिए जो आया था दिशा निर्देश बढ़ाने का मेन उद्देश्य ये था कि जो एंटीबॉडी डेवलप होना चाहिए वैक्सीन के उपरांत, वो कम समय में बहुत जल्दी नहीं हो पा रही थी और बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हो पा रही थी, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। पहले हमने यही प्रोग्राम कोविशील्ड 4 हफ्ते बाद था, फिर 6 हफ्ते हुआ, फिर 8 हफ्ते हुआ, आज 12 हफ्ते के लिए बोला गया, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब इसमें रिसर्च ये कह रहा है कि जितना लेट लगता एंटीबॉडी बहुत अच्छी डेवलप हो रही, इसलिए बढ़ा गया। और ये सब एक अच्छा एक ग्रुप रहता है केंद्र शासन का, वो ही डिसाइड करता है, ये हमारे लेवल पर नहीं होता है।